इसमें और इसमें देख रहा कितनी घिसी हुई है। एक्सेलेटर करना बढ़ गया ना। हाँ ठीक है। ऐसी होती थी टोयोटा करोला पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं एक्सप्लोरर यादव। पीछे देख रहे होंगे गाड़ी लिफ्ट पे लगी हुई है। गाड़ी का सर्विस का टाइम आ गया था, 10,000 वाली सर्विस है। और रिसेंटली नोटिस किया था एवरेज वगैरह नहीं निकल रहा था, तो अभी मैं सेंटर पे लेके आया था गो मैकेनिक के। तो इस पे आके पता चला कि उसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी है। 40-45 हज़ार चल चुकी है गाड़ी, एक्यूरेट 42 पॉइंट समथिंग है। तो इतने में हो जाती है क्लच प्लेट चेंज। तो यहाँ पे सर्विस में जब लेके आया था मैं, तो ये टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो जो मैकेनिक था, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी क्लच प्लेट सही नहीं है, ख़राब है, जिसकी वजह से एवरेज नहीं आ रहा। तो रिसेंटली आपको पता होगा मैंने एक एसी वाला वीडियो डाला था, एसी इंस्टॉलेशन का। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो एसी लगाने की वजह से हमारा एवरेज नहीं निकल रहा, बट वो क्लच का इशू है। अभी क्लच प्लेट चेंज कराएंगे इसकी, तो दिखाता हूँ क्लच प्लेट कैसी होती है, कैसे चेंज होती है। बाकी सर्विस है, सर्विस तो नॉर्मली होती है, बेसिक सर्विस, ऑयल फिल्टर वगैरह और सारे ऑयल वगैरह चेंज होता है, वो तो आप सबको पता ही होगा। आगे दिखाता हूँ मैं क्लच प्लेट का काम कैसे होता है गाड़ी में और कितना खर्चा आता है क्लच प्लेट का, ऑल 800 का। बने रहो। सर्विस मैंने जो बुक की थी वो गो मैकेनिक की ऐप से बुक की थी, बहुत ही अच्छा मेरे को डील मिल गया था यहाँ पे। बाकी मारुति वगैरह में मैंने पूछा था, वहाँ पे 3500 या 4000 के आसपास था, यहाँ मुझे 2900 में ही मिल गया पूरा बेसिक सर्विस का पैकेज। गो मैकेनिक है ये, सेक्टर 48 में पड़ता है, हरिओम करके है, हरिओम ऑटो मोबाइल्स। तो गाइस दिखाता हूँ मैं, क्लच प्लेट चेंज करने के लिए गियर बक्सा निकालना पड़ता है गाड़ी का। तो लिफ्ट पे लगी हुई है, गियर बॉक्स निकल रहा है, ये भाई निकाल रहा है अपना, क्या नाम है भाई तुम्हारा? असलम खान निकाल रहे हैं भाई गियर बॉक्स। व्यू सही नहीं आ रहा इधर से, दिखाता हूँ। गियर बॉक्स खोलने में कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है, थोड़ा सा लंबा काम होता है क्लच प्लेट चेंज करने का। अभी जब निकलेगी तो दिखाऊंगा उसकी हालत कैसी है, नई जो आएगी क्लच प्लेट वो भी दिखाऊंगा। ये जो लटक रही है वायर, ये क्लच की वायर है, ये भी चेंज होगी। हार्ड चल रहा है क्लच का वो पैडल। ये अपने हाइड्रोलिक लिफ्ट है पे लगी हुई है गाड़ी। आ गया दीपक भाई गियर बॉक्स बाहर। ये गियर बॉक्स है, देखो यार ये होता है गियर बॉक्स। क्लच प्लेट अंदर है, अभी निकल रही है। इस तरीके की होती है ये, पड़ी हुई ना एक पुरानी से, ये क्लच प्लेट ही है। इसकी फिटिंग सही आ जाती है दीपक भाई खुलने के बाद? हाँ। अभी आप क्लच प्लेट निकाल रहे हो? अच्छा, नहीं तो ताम जाम है ना इसमें, पता नहीं कितने सारे नट बोल्ट हैं। अच्छा, ये अपने अभिषेक भाई, हाय कर लो इनको। का है सामान, का आ गया क्या? ये निकल आई अपनी पुरानी क्लच प्लेट। कंडीशन कैसे पता चलती है इसकी? नई वाली है क्लच प्लेट, उठा के अभी डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। पहले अंदर से रही है साकी, ये जाके चाबी पता बेल दे, पता वो भी मंगवा लो ना, दिख जाएगा वीडियो में एक बार।
दीपक भाई लेके आए नई, पूरी डिफरेंस पता चलेगा आपको इसमें और इसमें लग रहा कितनी घिसी हुई है। तो ये होता है, इससे माइलेज का बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी पे। तो मेरी गाड़ी का तो माइलेज और पिकअप दोनों ही, तो मेरी गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा गिर गया था माइलेज। ये क्या है, क्लच वायर? अच्छा ये क्लच वायर भी आई हुई है अपनी, ये भी चेंज होगी पूरी। तो प्रेशर प्लेट कौन सी होती है, नीचे वाली? अच्छा ये अपनी पुरानी है, ये प्रेशर प्लेट है, ये हमारी हो गई क्लच वायर, एक क्लच प्लेट और एक गियर बक्सा। क्या ये क्लच वायरिंग? क्लच वायरिंग, क्लच बेयरिंग, बेयरिंग, बेयरिंग। अच्छा अच्छा ये गया हुआ है। हाँ ये भी चेंज होगा। हाँ क्लच वायरिंग कहाँ रख दिया? पूरी असेंबली चेंज होती है। एक बार माले लंबू लंबू। कौन सी कंपनी का मंगाया ये? MG की। अच्छा MGP का है, मारुति जेन्युइन पार्ट्स। दो चीजें और बताइए अभी, थ्रोटल बॉडी और स्पार्क प्लग क्लीनिंग, वो भी एवरेज के लिए मेन रहता है। तो अगर आपकी भी गाड़ी अगर एवरेज नहीं निकाल रही है सही से, तो आप ये चीज़ें चेक करवा सकते हो, गो मैकेनिक पे आ जाओ, सेक्टर 48। कौन सा ऑटो में मिला ये? हरिओम, हरिओम ना, हरिओम ऑटो मिल पे। दीपक भाई से मिल लेना आके, अभिषेक। ये क्लीनिंग वगैरह हो गई इसकी पेट्रोल से। ये यादव जी की है टोयोटा क्रोला, हिम्मत यादव जो यहाँ के ओनर है। 1984 मॉडल ऐसी होती थी टोयोटा क्रोला पहले, इन्होंने अपने यहीं गैराज पे रखी हुई है, इनके फादर ओन करते थे इसको, किसी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी बताया। मस्त गाड़ी लगी, कॉन्टेसा वगैरह तो आपको मिल जाती है बहुत, बट ये देखो क्या चीज़ है। और उन्होंने ये बुलेट रखी हुई है पुरानी 1994 कबीर सिंह वाली, ये देखो घोस्ट राइडर। शौकीन आदमी है भाई यादव जी तो। राव साहब And on and on we
देखो गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो राव इनफील्ड है, रॉयल इनफील्ड नहीं है। तो यादव जी से पूछते हैं क्यों लिखा है उन्होंने ये। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी राव इनफील्ड इसलिए कि यादवों को ना हरियाणा के अंदर राव साहब कहा जाता है। अच्छा। वो इसलिए कहा जाता है कि 1857 में जो अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था ना, वो हरियाणा के नारनौल में नसीपुर के मैदानों में हमने लोहा लिया था। अच्छा। जिसमें हमारे राजा राजा राव तुलाराम उन्होंने अंग्रेजों के साथ डट कर उनका सामना किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस समय से ही हमारे को सब यादव जो भी हमारा हिरवाल क्षेत्र है वहाँ पे सब यादवों को राव कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो गाइस एक चीज़ और नहीं पता चली होगी आपको, यहाँ पे यादवों को राव साहब क्यों बोलते हैं। और गाड़ी एकदम हमारी नंबर प्लेट है जहाँ राव साहब लिख दिया वहीं ठीक है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से चलती है, नाम से चलती है। राव साहब लिखा पूरी गाड़ी पे हो चाहे कितना बड़ा चलान ठीक है, राव साहब यादव जरूर लिखा मिलेगा, चलान देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लूटूथ के थ्रू ये हमारा ना यहाँ पे चलेगा ठीक है। अच्छा, वहाँ करंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब हमने वहाँ से उसको डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, वो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। तो गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इसमें आएगी, सारा इसी के अंदर OBD स्कैन हो रहा है। ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर है इसका ठीक है, ये RPM है इसके इंजन के। अच्छा। ठीक है, एक्सेलेटर करना बढ़ गए ना। हाँ ठीक है, अब AC ऑफ करेंगे तो AC ऑफ करना, आइडलिंग हमारे RPM होने चाहिए 1000 से नीचे नीचे, तो 900 के आसपास है, काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेस्ट RPM हमारे। और ये इग्निशन की टाइमिंग है ठीक है, जहाँ भी अगर किसी भी पैरामीटर में इशू होगा तो वो रेड हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये आपका जो इंटेक मैनिफोल्ड में से जो अभी सारी जितनी रीडिंग आ रही सब सही है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, रीडिंग इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है किसी तरह का, ना कोई इंजन में दिक्कत है ना कोई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत है इसके। ठीक है, तो ये होता है गाइस OBD स्कैन गाड़ी का, से बीमारी पता चलती है इससे इलेक्ट्रॉनिक हमारी गाड़ी में कोई भी फॉल्ट हो, जो हमारा सेंसर से कनेक्टेड फॉल्ट होते हैं उस सारी चीज़ों को हमारा ये डायग्नोज करेगा। जहाँ भी हमारा किसी भी इक्विपमेंट्स में अगर हमारा सेंसर काम कर रहा है उसकी रीडिंग हमारे को बता रहा है, तो सेंसर कनेक्ट होता है इसके ECU से, ECU से हम अपने इसको डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो गाइस बता दूँ, अभी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के टाइम पे इसका साइलेंसर जो गला हुआ था वहाँ पे लीक हो गया है, तो जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है, इसका साइलेंसर भी चेंज करेंगे। भाई आपका क्या नाम है? शाहरुख। शाहरुख भाई अभी अपने साथ टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं, इंजन में जो भी प्रॉब्लम वगैरह थी क्लच प्लेट डालने के बाद में, अभी तो सही है सब, क्लच प्लेट रह गया वो मेरे हिसाब से बाद में सेट होगा। क्लच सेट कर दिया, एक एडजस्टिंग और थोड़ी सी वो कर दूंगा ठीक है, बाकी गियर भी सही तुमने और गाड़ी चल भी सही रही। ब्रेक और पिकअप? ब्रेक भी ठीक है, पिकअप भी। अभी आपको स्पोर्ट्स कार जैसी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इसका साइलेंसर लीक हो गया, वो पार्ट ऑर्डर कर दिया, वो भी डलवा के फिर निकलते हैं गाड़ी को वॉश वॉश करवा के। मैंने बताया था साइलेंसर इसका फट गया था वो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग में, अब देखो आवाज़ पता नहीं चल रही होगी। देना रेस, देना एकदम ओके है, बिल्कुल नया साइलेंसर डला है इसमें। बाकी प्राइस ब्रेकअप सारा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी रात बहुत हो गई है, काफ़ी परेशान हो चुके। ट्रायल पे वापस चलो, एक बार वो क्लच का देख लो ना, क्लच का प्ले कितना आ रहा है प्ले। सो गाइस फाइनली काम हो चुका है गाड़ी का, सर्विस हो गई है, सर्विस के साथ में क्लच प्लेट का काम हुआ है, क्लच प्लेट
का जो काम हुआ है वो बेसिकली मैंने इसलिए कराया था क्योंकि इसका एवरेज बहुत कम आ रहा था, तो वो चेक कराने के बाद पता चला उसकी क्लच प्लेट पूरी घिस चुकी थी। मैंने बीच में दिखाया भी है क्लच प्लेट का डिफरेंस नए का और जो लगी हुई थी उसकी। और तो ये चीज़ें हैं, आप करा सकते हो अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है तो। उसके साथ में थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के टाइम पे इसका साइलेंसर फट गया था, तो साइलेंसर चेंज हुआ है, तो साइलेंसर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एवरेज पे। और एक थ्रोटल बॉडी होती है, ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से गाड़ी जो है उसका एवरेज पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है गाड़ी का। अब ये चीज़ें आप अपनी चेक करवा सकते हो कहीं भी वर्कशॉप में जाके, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आ सकते हो। ये है हरिओम ऑटोमोबाइल, ये आपका पड़ता है सेक्टर 50 गुड़गांव में। लोकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, नंबर वगैरह आप या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जो मैंने अभी दिखाया, हरिओम ऑटोमोबाइल के नीचे नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप हिम्मत यादव से मिल सकते हो, ओनर है यहाँ के, और उनका कलेक्शन मैंने दिखाया था बीच में, काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है उन्होंने, और इंसान भी काफ़ी अच्छे हैं यार। देखो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और साथ में ही जग रहे हैं भाई, वो कॉल पर लगे हुए हैं। वो थोड़ा सा इशू आ गया था बीच में गाड़ी में, गाड़ी क्योंकि पुरानी हो चुकी है नीचे से साइलेंसर वगैरह गिर गया था। बढ़ा दिया उजाला, सही है अब बढ़िया। तो अंदर का वो केबिन लाइट इसकी थोड़ी सी कमज़ोर सी थी, उसमें एलईडी वाला लगवाया था, उसमें दो तीन एलईडी ख़राब हो गई थी उस बल्ब की, तो वो चेंज कराया अभी, उसके लिए बोल रहा था कि उजाला बढ़ा दिया। अच्छे वर्कर हैं यार, देखो सब साथ में जग ही रहे हैं, वरना ये 7:30 बजे निकल जाते हैं बंद करके। ये हिम्मत जी इधर रहे, आप आ सकते हो, नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना जो अभी मैंने दिखाया। तो यही था आज का व्लॉग, इसको करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो और शेयर करो गाइस। मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।